तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, राज ठाकरे ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर ली है। जहां लगातार एक खबर सामने आ रही थी कि राज ठाकरे पीछे हट सकते हैं, तो नहीं, राज ठाकरे अभी भी अपनी भूमिका पर अड़े हुए हैं। राज ठाकरे ने अभी भी यही कहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। हिंदुओं को राज ठाकरे ने कल के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है, और पहली दफा ऐसा हुआ है कि राज ठाकरे ने न सिर्फ मराठी में बल्कि हिंदी में भी पत्र लिखा है, क्योंकि इस बार राज ठाकरे न सिर्फ महाराष्ट्रियन को, न सिर्फ मराठी मानुष को, बल्कि देश के सभी हिंदुओं को संबोधित कर रहे हैं। राज ठाकरे अब हिंदू जननायक असल में बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर राज ठाकरे का वो पत्र है, राज ठाकरे का वो आदेश है। आज सुबह से ही इसकी हलचल तेज थी कि राज ठाकरे ने कल ही ट्वीट करके कहा था कि भोंगे को लेकर मेरी आगे की भूमिका क्या होने वाली है, इस पर मैं ट्वीट कर जानकारी दूंगा, सभी हिंदुओं तैयार रहो। और राज ठाकरे ने अभी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि सभी हिंदुओं तैयार रहो, कल के लिए सभी को तैयार रहने का राज ठाकरे ने आदेश दिया है। राज ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन फिर भी राज ठाकरे पीछे नहीं हट रहे हैं। राज ठाकरे अभी भी अड़े हुए हैं। उन्होंने इस लेटर में यही लिखा है कि भोंगे तो हम उतरवा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, भोंगे हटाना ही पड़ेगा, भोंगे के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अभी भी अपनी भूमिका पर अड़ा हुआ हूँ। मन सैनिकों सहित देश के सभी हिंदुओं को राज ठाकरे ने यह आदेश दे दिया है कि कल के कल हर एक मस्जिद के बाहर, जहां भी हनुमान, जहां भी भोंगा लगा है, अजान बज रहा है, भोंगे से अजान बज रहा है, सुप्रीम कोर्ट के नियम के विरुद्ध अजान बज रहा है, वहां पर हनुमान चालीसा मुझे सुनाई देना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी जुड़े हुए हैं सीधे शिव तीर्थ से लाइव। राहुल शुक्ला जी, जिस बात का सभी को इंतजार था कि राज ठाकरे की आगे की भूमिका क्या होने वाली है, राज ठाकरे ने ट्वीट कर अपनी भूमिका बताई है, शिव तीर्थ के बाहर इस वक्त कैसा माहौल है? निशा, जिस तरीके से साफ कर दे कि मुंबई पुलिस जो है अभी भी यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट पे है, तैयारी, लेकिन जिस तरीके से मनसे के जो सैनिक है और कार्यकर्ता थे वो लगातार जो शिवाज पार्क में जगह जगह पर मौजूद थे, और जिस तरीके से अभी कुछ ही समय पहले यशवंत किलेदार ने अपनी स्टेटमेंट दी और उसके बाद ही आधे एक घंटे के बाद ही ये ट्वीट आया है राज ठाकरे की तरफ से कि कल जो है भोंगे पर मनसे के कार्यकर्ता तैयारी है और वो जरूर जो है वो शुरुआत कल से हो जाएगा। इस वक्त जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुर्ता है जो सुबह यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आए हुए थे, हम उन्हीं से बात करेंगे कि उनकी क्या कहना है, जो लेटर है, पत्र है, उनके पास क्या है, आए हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे। सर, आपका क्या नाम है और जिस तरीके से अभी पत्र मिला है आपके पास, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम नीलाधर सकपाल है, मैं मनसे का विद्यार्थी सेना का उपाध्यक्ष हूँ। ये हमारे पदाधिकारी इधर आए हैं, हमारा ऐसा मानना है ये सामाजिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये जो मुस्लिम समाज में जो सिया और सुन्नी लोगों की मुद्दे पहुंच रहे, ये भोंगे लगाए तो सुन्नी चार भोंगे लगाए, उसमें चल रहा है, उसकी वजह से हमको तकलीफ हो रहा है। पत्र में जो किया है भोंगे की बात लगाने की बात की, कल आप क्या तैयारी देंगे? महाराष्ट्र हनुमान सेना के जो अध्यक्ष है उनका आदेश है, उनके काम करेंगे। महाराष्ट्र में मुगलशाही चालू है, महाराष्ट्र में मुगलशाही है, इस तरह से हमें भेज के डराया धमकाया जा रहा है, ये ऐसे हम लोग इसको डरने वाले नहीं, और लोग भाग के भी जाए, हमको बोंगा लगाना है और हम लोग लगाएंगे, हम लोग हमारे इस पर स्टैंड, हम लोग स्टैंड क्लियर है, हम लोग बोंगा लगाएंगे कल, इसको जो करने का करते रहो। ठीक है, ये साफ तौर पर उन्होंने मनसे के जो कार्यकर्ता ने साफ कर दिया है कि हम भोंगा जरूर लगाएंगे और देखना है उस पर अब किस तरीके से मुंबई पुलिस निर्णय लेती है। जी, मस्जिदों के बाहर, मंदिरों के बाहर, मस्जिद के बाहर खास करके सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है, ऐसी खबरें भी सामने आ पा रही है। शिव तीर्थ के बाद बाहर सुरक्षा के इस वक्त क्या इंतजाम किए गए हैं, राहुल शुक्ला जी? जी, पूरे तरीके से अगर हम आपको बता देते हैं कि मुंबई पुलिस जो है यहाँ पर पूरे तरीके से यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है तैनात है, बैठ लगा है मुंबई पुलिस, यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं जो तीर्थ है, पूरे तरीके से यहाँ पर तरीके से
मनसे के कार्यकर्ताओं में इतने तरीके से जोश आ गया है, उन्होंने साफ तौर पर ये कर दिया है कि कल हम होंगे जरूर बताएंगे। वो एक सामाजिक मुद्दा है और इस मुद्दे पर जिस तरीके से राज ठाकरे विषय तो जरूर एक मनसे के कार्यकर्ताओं में एक पूरी तरीके से जोश है और वो साफ तौर पर उन्होंने कर दिया है कि हम जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है उनके आज्ञा का जरूर पालन करते नजर आएंगे। जी हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल शुक्ला जी आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक मैं बता दूं कि पत्र में आखिर किस तरीके का राज ठाकरे ने अपील की है सभी हिंदुओं से। पत्र पढ़कर मैं बता दूं एक बार राज ठाकरे ने क्या लिखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदू भाइयों, माताओं और बहनों, मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर 4 मई तक नीचे उतरे, ये हमने राज्य सरकार को पहले ही बताया था, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर ढिलाई बरत रही है। इस देश में राज्य सरकार का हर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देता है। धर्म के नाम पर बुजुर्ग, मरीज, छोटे बच्चे, छात्रों को होने वाली तकलीफ को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है उसमें साफ तौर से इस बात का जिक्र किया गया है कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। हर धर्म के लोगों को उनके त्योहार के दिन लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति मिलेगी, लेकिन 365 दिन की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत हर रोज लेनी पड़ती है। लाउडस्पीकर की क्षमता कितनी होनी चाहिए इसको लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बात साफ की है। लाउडस्पीकर की मर्यादा क्या होनी चाहिए इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। रिहायशी बस्तियों में लाउडस्पीकर की मर्यादा कम से कम 10 डेसिबल और ज्यादा से ज्यादा 45 से 55 डेसिबल तक रखी जाती है। ध्यान दें कि 10 डेसिबल आवाज का मतलब कि अगर हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो होने वाली आवाज, और 55 डेसिबल का मतलब है हमारे घर में जब मिक्सर चलाया जाता है तो जो ध्वनि होती है वो आवाज। सवाल ये है कि सभी लाउडस्पीकर अनधिकृत है, अधिकतर मस्जिदें भी अनधिकृत है। यह सरकार अनधिकृत मस्जिदों पर लाउडस्पीकर अधिकृत तौर पर लगाने की इजाजत क्यों और कैसे देती है, और अगर इजाजत देनी है तो हमें हिंदू मंदिरों पर लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत मिलनी ही चाहिए। असल में ये विषय धार्मिक नहीं सामाजिक है। देश के सभी धर्मावलंबियों को लाउडस्पीकर से होने वाली ध्वनि प्रदूषण से तकलीफ होती है, ये बात देश की सभी सरकारों को समझनी चाहिए। रास्ते पर बैठकर नमाज पढ़ना और इससे ट्रैफिक व्यवस्था को बाधा पहुंचाना किसी धर्म ने नहीं सिखाया जाता है, ये किसी धर्म में सिखाया जाता है क्या? इसीलिए हमारे मुसलमानों से इतना ही कहना है कि ये सामाजिक विषय है, ये पहले आप समझ लें। इस विषय को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया तो हमारी ओर से भी धार्मिक ढंग में ही उत्तर दिया जाएगा। एक बार फिर राज ठाकरे अल्टीमेटम की बात कर रहे हैं। देश के तमाम हिंदू भाइयों से मेरी अपील है कि कल यानी 4 मई के दिन जहां लाउडस्पीकर पर अजान दी जाती है वहां आप लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएं, और लाउडस्पीकर से क्या तकलीफ होती है ये उन्हें भी समझने दे, सिर्फ हम ही क्यों सहे। हमें देश की कानून व्यवस्था बिगाड़नी नहीं है, देश में हमें दंगे नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप धर्म के लिए जिद्दी पर नहीं छोड़ेंगे तो हम भी हमारी जिद नहीं छोड़ेंगे, हम भी हमारे जिद पर अड़े रहेंगे। कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी जिन पुलिस अधिकारियों पर है उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि देश में राज्य में कानून का राज है, यह उन्हें दिखा देना चाहिए। उन्हें अनधिकृत मस्जिद, अनधिकृत लाउडस्पीकर, रास्ते पर होने वाले नमाज पठन के लिए जिम्मेदार लोगों को अपनी पुलिस की वर्दी का खौफ दिखाना चाहिए। हिंदू त्योहारों के वक्त साइलेंट जोन, स्कूल, अस्पताल, इस तरह की शर्तें लगाकर कई तरह के बंधन डाले जाते हैं, लेकिन सवाल जब मस्जिद का आता है तो किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं डाली जाती। भारतीय संविधान में वर्णित धर्म निरपेक्षता की किस व्याख्या में ये बैठता है? इसीलिए हिंदुओं, ये राज ठाकरे की अपील, अपनी हनुमान चालीसा उन्हें सुनाइए। सभी स्थानीय संस्थानों और जागरूक नागरिकों की ओर से लाउडस्पीकर मस्जिद से निकालने के लिए हस्ताक्षर मुहिम चलाई जानी चाहिए, और अपनी हस्ताक्षर किया हुआ निवेदन हर रोज पुलिस स्टेशन में जाकर दें। मस्जिद पर लाउडस्पीकर से होने वाली आवाज की तकलीफ की शिकायत 100 नंबर पर डायल करके पुलिस को रोज दे। समाज के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाने का फैसला जिन मस्जिदों से संबंधित लोगों ने लिया है उनका स्वागत करता हूँ।
जिन इलाकों में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं उन इलाकों में भी किसी तरीके की तकलीफ बाहर के लोगों को ना हो, इस बात का ख्याल हिंदू भाइयों को रखने की जरूरत है। और ये आखिरी पेज, मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि हमारे देश में ऐसे कई मुसलमान नागरिक हैं जिन्हें लाउड स्पीकर से तकलीफ होती है, मगर कट्टरवादी धर्मगुरु और मौलानाओं के सामने वो बोल नहीं पाते। मेरे तमाम भाइयों को लाउड स्पीकर के खिलाफ अपना अभियान शुरू करना चाहिए। ये विषय एक दिन में समाप्त होने वाला नहीं है, ये बात अपने मन में ठान ले। देश की सभी सरकारों को लाउड स्पीकर बंद करने के लिए दबाव डालें। आखिर में एक ही बात कहूंगा, हर राज्य के नागरिक अपने यहाँ की सरकारों को हिंदुओं की ताकत क्या है ये दिखा दो, हिंदुओं की ताकत क्या है ये दिखा दो। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री से हम विनंती करते हैं कि स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहेब ठाकरे ने कई साल पहले लाउडस्पीकर बंद होनी ही चाहिए ये बताया था, लेकिन क्या ये आप सुनेंगे? ये आपको सत्ता की कुर्सी पर बैठाने वाले सहूलियत मुताबिक घर निरपेक्ष शरद पवार साहब की सुनेंगे? इनका फैसला महाराष्ट्र की जनता के सामने एक बार होना ही चाहिए। देश में इतनी जेलें नहीं है कि देश के तमाम हिंदुओं को इन जेलों की सलाखों के पीछे सरकार रख सके, और ये सरकार के लिए संभव ही नहीं है। ये बात भी सभी सरकारों को ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे तमाम हिंदू भाइयों, बहनों और माताओं से यही कहना है कि लाउड स्पीकर हटाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को बेड़िया तोड़ कर एक हो जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपका राज ठाकरे। सुरेंद्र जी अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, सुरेंद्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? सुरेंद्र जी आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ पा रही है। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अभी मैंने पढ़कर सुनाया, यही था राज ठाकरे के उस पत्र में, 3 पेज का पत्र जो है, लेटर जो है राज ठाकरे ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है। सुरेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी निशा जी, आपकी आवाज आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, साफ तौर पर राज ठाकरे अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। राज ठाकरे ने ये भी कह दिया है कि ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, और सबसे बड़ी बात सरकार के लिए भी एक बात कही है कि अगर हम आंदोलन के लिए उतरते हैं तो सभी हिंदुओं को जेल के अंदर सरकार नहीं भर सकती, देश भर में इतनी जेलें भी नहीं है। यानी राज ठाकरे अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। निशा जी देखिए, जिस तरह से सुबह से खबरें आ रही थी, जिस तरह से हर एक न्यूज चैनल पे हो, हर एक वेबसाइट पे हो, बातें हो रही थी कि राज ठाकरे को जो है जेल हो सकती है, राज ठाकरे का लेटर का इंतजार करेंगे, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि मनसैनिक जो है या मनसे प्रमुख राज ठाकरे जो है वो बैकफुट पे आ चुके हैं। लेकिन जिस तरह से राज ठाकरे ने उनका पत्र लिखा है, ये पूरा ठाकरे शैली का पत्र है। मतलब जिन जिन्होंने राज ठाकरे को सुना हुआ है उसी शैली में उन्होंने राज ठाकरे ने जो पत्र लिखा है उसमें कहीं पे शॉर्ट नोट नहीं है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जैसे उदाहरण के तौर पे उन्होंने डेसिबल का जो जिक्र किया है कि 10 डेसिबल मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो 10 डेसिबल है, अगर घर पे कोई मिक्सर चालू है तो 55 डेसिबल है। तो ये इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि देखिए कितना परेशान हो रहे, कितने लोग जो है वो हैंडीकैप लोग हो सकते हैं, बच्चे लोग हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, स्कूल के विद्यार्थी हो सकते हैं, उनको परेशानी हो रही है अजान के वजह से। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि आप 365 डेज 365 दिन जो है आपको कोई भी धार्मिक जगह पे हो या कोई भी सार्वजनिक जगह पे हो, लाउड स्पीकर की बंदी है, आपको उसके लिए डेली मतलब हर रोज जाके परवानगी लेनी है, परमिशन लेनी है, तब जाके आप स्पीकर लगा सकते हो, वो भी उसी दिन के कालावधि में। जैसे गणपति हुआ, नवरात्र हुआ, तो उसी दिन के लिए कोई भी जो हिंदू मंडल होता है, जो गणपति मंडल भी होता है, वो परमिशन लेता है, और वो परमिशन लेने के बाद ही पुलिस पूरा जायजा लेती है, स्कूल कहाँ पे है, कॉलेज कहाँ पे, हॉस्पिटल कहाँ पे, उसके बाद ही गणपति के मंडलों को भी परमिशन देती है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटके राज ठाकरे किसी भी कीमत पर अब पीछे हटने वाले नहीं है। सुरेंद्र जी परेशानी हो रही है, तो उन्होंने फिर से जिक्र किया कि देखिए ये धार्मिक विषय नहीं है, ये सामाजिक विषय है, और सारे सरकारों को मेरी विनती है कि इस मुद्दे के लिए आप साथ कूट खड़े आइए। अगर कोई सरकार आपको सपोर्ट नहीं करती है, जैसे राज्य सरकार आपको सपोर्ट नहीं करती है, तो उन्होंने आह्वान किया है कि जिन्हें जिन्हें परेशानी हो रही है वो पुलिस स्टेशन में जाके पत्र लिखे, निवेदन लिखे, जो कि कानूनी प्रक्रिया है। पुणे ने कहा कि आप पुलिस स्टेशन में कॉल करें, 100 जो पुलिस का डायल नंबर है उसमें कॉल कीजिए, रोज कॉल कीजिए, जब तक ये परेशानी हल नहीं होती। देखिए उन्होंने दो मुद्दे पे हाथ डाला है, उन्होंने पहला मुद्दा क्लियर किया कि एक दिन में खत्म नहीं होगा,
हमें उसका फॉलोअप करना पड़ेगा, रोज हमें बात करनी होगी। और उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे उनको भी यहाँ पे टारगेट किया, उन्होंने बोला हुआ कि आप हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के बेटे हो, तो जो आंदोलन बालासाहेब जी अब देखना ये होगा कि राज ठाकरे की बात भाषण है या नहीं। राज ठाकरे ने इस बार सीधे बालासाहेब ठाकरे की बात जो है वो सामने रखी है। तो राज ठाकरे ने कल के लिए 4 मई तक के लिए 4 मई के लिए हनुमान चालीसा बजाने के लिए सभी हिंदुओं को तैयार रहने का आदेश दिया है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, भारत सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री, खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।